नगर पालिका परिषद की टीम ने पॉलिथिन विरोधी अभियान चलाकर नगर के चार थोक पॉलिथिन विक्रेताओं के यहाँ से 12 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथिन बरामद की है, जिन पर कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपए अर्थदंड किया गया। उप जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला के नेतृत्व में तथा ईओ डीडी सिंह सफाई निरीक्षक देवेंद्र सिंह की टीम ने नगर में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया। गुरुवार को चलाए गए अभियान में नगर के थोक पॉलीथीन विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी की गई, जिसमें राजा मूंगफली विक्रेता के यहाँ एक बार फिर छापेमारी की गई, जिसमें 4 किलो 900 ग्राम पॉलीथीन बरामद कर अर्थदंड वसूला गया। इसके अलावा टीम ने कुल 12 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की, जिसमें कुल 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। उप जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराकर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। आज नगर पालिका की टीम, नगर पालिका के ईओ, थाने से संबंधित थाना प्रभारी को लेकर के मेरे द्वारा नगर में जो पॉलीथीन के चिन्हित स्थान थे उन पर छापा मारा गया। उससे जो पॉलीथीन उनके यहाँ पकड़ी गई उसको पकड़ करके नगर पालिका में भिजवा दिया गया है और उनके विरुद्ध जुर्माने वैधानिक कार्रवाई जुर्माना के रूप में भी की गई है। जालौन से दीपू तिवारी की रिपोर्ट।